बुरहानपुर जिले में इन दिनों शराब ठेकेदार सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। शराब को एमआरपी से अधिक दामों में बेच रहे हैं, साथ ही इसका बिल भी बनाकर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। शराब दुकान की मनमानी, शनमारा इलाके का मामला, ज्यादा रेट में बिक रही है शराब, आंखें बंद है प्रशासन, मामले में क्या होगी कार्रवाई? बुरहानपुर जिले की शनमारा शराब दुकान पर मनमानी कर ज्यादा रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। शराब दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब और बियर बेची जा रही है। ये मामला किसी एक शराब दुकान का नहीं है बल्कि पूरे जिले में यही हाल है। इस मामले की शिकायत गौरव शुक्ला नामक युवक द्वारा करने के बावजूद भी आबकारी विभाग कार्रवाई को दूर, शिकायतकर्ताओं की शिकायत भी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते। एमएसपी और एमआरपी निर्धारित है, उसी में या तो एमएसपी पे या उसके मध्य में या एमआरपी पे बेच सकते हैं। एक दो लोगों ने और अभी एक शिकायत की है, मैं आपको भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। क्या होता है कि कुछ पुराना स्टॉक था तो उस पर रेट का वो आ रहा है कि 2-5-10 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है, उसको उनको लग रहा है कि ये ज्यादा में बेच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब 31 मार्च का जो स्टॉक बचता है और कुछ हमारे जो वेयर हाउस पे जो स्टॉक रहता है उसको भी अलाउ करते हैं बेचने के लिए, और जो ड्यूटी बढ़ती है उस ड्यूटी का हम डिफरेंस वसूल लेते हैं उन लोगों से। तो वो वसूलने के बाद वो 10 रुपए महंगी है, तो मतलब आपको महंगी लग रही है, उसकी निर्धारित रेट जो है 10 रुपए बढ़ गई। लेकिन सर, यदि स्टॉक भी है तो ये कहा जाता है कि जो एमआरपी है एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते। आपसे मैं अभी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही जो चीज है, हम डिफरेंस जब ड्यूटी वसूल लेंगे उस पर जो एडिशनल ड्यूटी लगी उसके कारण रेट बढ़ी, उसके कारण वो हमने जब वसूल ली तो वो बढ़ी हुई दर पर बेच सकता है जो निर्धारित इस वित्तीय वर्ष में की है। इसलिए वो कोई गलत नहीं है। ये भ्रांति एक दो लोगों ने और मेरे से डिस्कस की तो मैंने उनको बताया अभी ये नई दर आती है उससे 1 तारीख से बेच। जिले में 1 अप्रैल से नए ठेके शुरू हुए हैं। नियम से सभी शराब दुकानों पर नए वित्तीय वर्ष में बड़ी शराब बेची जाना है और शासन के नियमानुसार ही निर्धारित दर पर शराब बेचना है, लेकिन यहाँ पुराने स्टॉक को खपाया जा रहा है। वह अभी नए वित्तीय वर्ष में जारी हुई रेट लिस्ट के अनुसार पैसे वसूले जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में शराब के दाम में 5-10% की वृद्धि हुई है। ऐसे ही एक मामले की शिकायत पार्षद गौरव शुक्ला ने 2 दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की लिखित शिकायत विभाग को दी है, जिसमें कहा कि 120 की एमआरपी वाली बियर 130 रुपए में बेच रहे हैं जिसका बिल भी दिया जा रहा है। यही नहीं, इन दुकानों पर प्रतिबंध के बावजूद भी अहाते चल रहे हैं, लोग शराब खरीदकर दुकान में ही बैठकर शराब पी रहे हैं। आबकारी विभाग इस बात को लेकर पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। वहीं जब इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह ढाकर से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि अधिक दामों पर शराब नहीं बेची जा सकती है, किंतु पुराना स्टॉक बचा हुआ है इसे खत्म करने के लिए बात को नकारते रहे, किंतु जब वीडियो दिखाए गए तो कार्यवाही की बात करने लगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक कार्यवाही होती है या फिर ठेकेदारों के आगे विभाग बेबस बना रहता है या तो आने वाला समय बताएगा। लोग उस दिन शराब दुकान पे गए थे, आबकारी अधिनियम 1915 ये कहता है कि एमआरपी और एमएसपी के ऊपर कोई शराब बिक्री हो नहीं सकती है। हम लोगों ने उस दिन देखा कि शराब तो एमआरपी और एमएसपी से कम में बिक रही है, विस्की और बियर एमआरपी के ऊपर बिक रही है। यहाँ तक कि वो तो उपभोक्ताओं का पूरा हनहनी हो रहा है कि एमआरपी के ऊपर ये लोग शराब और ये अपने बियर कैसे बेच रहे हैं। उस मामले के अंदर हमने शिकायत भी दर्ज करी, ठाकर जी है जो डीओ साहब उनको बोला तो उनका भी कहना यही आया कि बोले एमआरपी के ऊपर हम लोग नए एक के अंदर शराब बेच सकते हैं, लेकिन एमआरपी 120 है तो दारू और अपने ये तो बिकना ही नहीं चाहिए। बाकी बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। लेकर नागपुर विभाग में भी शिकायत की आपने? मैंने इसको लेके आबकारी के अंदर शिकायत करी है, कलेक्टर मैडम को शिकायत करी है, ग्वालियर के अंदर जो आबकारी का हेड ऑफिस है सर्कल वहाँ पे शिकायत करी है, इंदौर में शिकायत करी है, सभी जगह मैंने शिकायत करी है और अभी तक के उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और आप कोई भी शराब की दुकान पे जाइए, आप बिल देना इन लोगों की सबसे बड़ी वो है, अगर उपभोक्ता बिल मांगता है तो बिल देना चाहिए, ये लोग बिल भी नहीं दे रहे। बुरहानपुर से दीपक सोहली।